पीएम मोदी दुबई दौरे पर है और यहाँ पहुँचते ही पीएम मोदी का जो शानदार स्वागत हुआ उसकी तस्वीरें पूरे देश में वायरल है। यहाँ पर वासी भारतीयों ने भारतीय पीएम की भव्य अगवानी की। इस दौरान लोगों ने नारे भी लगाए। आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान पीएम मोदी देर रात दुबई पहुंचे थे। यहाँ हवाई अड्डे पर यूएई के उप प्रधानमंत्री शेख सैफ बिन जायद अल नाहयान ने गले लगाकर उनका स्वागत किया। दरअसल पीएम मोदी COP28 विश्व जलवायु समिट में भाग लेने गए हुए हैं। लेकिन आप देखिए, जब पीएम मोदी होटल पहुंचते हैं तो भारतीय समुदाय के लोग वहां पहले से ही पीएम मोदी की एक झलक देखने के लिए होटल के बाहर मौजूद थे। होटल के बाहर प्रवासी भारतीयों ने गर्मजोशी से पीएम मोदी का स्वागत किया। उन्होंने सांस्कृतिक नृत्यों का प्रदर्शन किया। भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी मोदी, अब की बार मोदी सरकार और वंदे मातरम के नारे लगाए। पीएम मोदी ने भी इस गर्मजोशी से भरे स्वागत का उत्साह के साथ हाथ हिलाकर अभिवादन किया। उन्होंने लोगों से हाथ मिलाया, बात भी की। पूरा इलाका मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारों से गूंज रहा था। वहीं प्रवासी भारतीयों में बोहरा समुदाय के मुस्लिम भी थे जो पीएम मोदी के स्वागत के लिए खड़े थे। उनसे भी पीएम मोदी ने बातचीत की, हाथ मिलाया और काफी खुश नजर आए। फ्रॉम द बोहरा कम्युनिटी, और हमें बड़ी खुशी की बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, और इससे भी बड़ा ऑनर ये है कि हम सबको उनसे मिलने का आज यहाँ पर अवसर मिला है, और हम उनके लिए शुभकामना करते हैं, उनकी जो है तो मुल्क की तरक्की के लिए। और यहाँ जो कम्युनिटी बसती है, इंडियन जितने डायस्पोरा हैं करीबन 30-35 लाख के करीब, तो जिस तरह से मिलजुल के रहते हैं यहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ, और अच्छा लगता है इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं आज प्राइम मिनिस्टर को वेलकम करने के लिए, और एक दूसरे से भी मिलजुल के यहाँ पर इस मुल्क की तरक्की के लिए और अपने हिंदुस्तान के तरक्की के लिए सब लोग यहाँ पर अपनी शुभकामनाएं दें। दिन आइडेंटिटी इज एक्नॉलेज्ड व्हेन लीडर ऑफ इंडियन इंडिया विजिट्स अस हियर, एंड आई थिंक दिस विल हैव अ वेरी गुड इफेक्ट ऑन द यूएई। प्रवासी भारतीय पीएम मोदी से मिलकर बेहद ही खुश नजर आ रहे थे। उनका कहना था कि ये पहली बार है कि जब उन्हें इतनी खुशी मिली है, ऐसा लग रहा है जैसा मेरा कोई अपना यहाँ हो। आज मोदी जी को देख करके ऐसा लगा, अहो भाग्य धन्य हो गए। आज यूएई में 20 साल से रह रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगा कि अपना कोई इस देश में आया है। और मोदी जी जिससे जितना उनका प्रशंसा की जाए उतना कम है। पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाला भारत का हीरा है नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप यूएई में आए और हमें आपके दर्शन लेने का मौका मिला। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है उनसे मिलके। हम यहाँ पे इंडियन लेडीज एसोसिएशन में हैं, जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत वुमेन्स को एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाता है। एंड वी आर ऑलवेज थैंक टू मोदी जी टू फॉर योर विजिट टू द अबू धाबी। हिप हिप हुर्रे। हम लोग सिर्फ मोदी 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 जी हमारे साथ। अब की बार
वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट कर अपना अनुभव भी शेयर किया। उन्होंने लोगों के उत्साह और प्रेम पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उनका समर्थन और उत्साह हमारी जीवंत संस्कृति और मजबूत संबंधों का प्रमाण है। दुबई में भारतीय समुदाय के गर्मजोशी भरे स्वागत से मैं बहुत प्रभावित हूँ। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी उच्च स्तरीय जलवायु कार्यक्रम के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद अपना संबोधन देंगे। इसके बाद वो जलवायु वित्त में परिवर्तन पर संयुक्त अरब अमीरात द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भाग लेंगे। लेकिन जिस तरह से प्रवासी भारतीयों ने पीएम मोदी का दुबई में स्वागत किया, वो तस्वीरें देखने वाली हैं। तो आप इन तस्वीरों को जहाँ से जहाँ शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।